अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल कार्ड्स विद तारिक खान। आज जो सॉन्ग हम प्ले करने जा रहे हैं, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग नाउअडेज व्हिच इज़ कॉल्ड रावी बाय द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर सज्जाद अली सर। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मुझे इस गाने की कि इसका लेसन करें, और मैं इस वजह से इसका लेसन काफ़ी जल्दी अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज लोग चाहते हैं इसको प्ले करना। और किस तरह से ये गाना प्ले हुआ है, बहुत सिंपल गाना है ये, और नो डाउट के बहुत ज़बरदस्त गाना है, बहुत अच्छे अंदाज में सज्जाद अली सर ने ये गाया है। बेसिकली इस गाने को टोटल 4 कॉर्ड्स के ऊपर अरेंज किया गया है जहाँ तक मैं ढूंढ पाया हूँ, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, और इन 4 कॉर्ड्स के ऊपर ही पूरा गाना फाइनलाइज है। अब जो 4 कॉर्ड्स हैं इस गाने की वो मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगाने के बाद जो इसकी ओरिजिनल कॉर्ड्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिसका स्केल ज़्यादा हाई नहीं है वो कैपो रिमूव करके और सेम कॉर्ड्स अप्लाई कर सकता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट फ्रेट पर कैपो लगाने के बाद जो आपकी फर्स्ट कॉर्ड होगी वो होगी डी मेजर, ओपन डी मेजर। सेकंड कॉर्ड इज जी मेजर। नाउ थर्ड कॉर्ड इज सी मेजर एंड लास्ट वन फोर्थ इज ई माइनर। ये 4 कॉर्ड्स इस पूरे गाने में चली हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बार में भी अप्लाई कर सकते हैं सेम कॉर्ड्स, डी मेजर, सी मेजर, जी मेजर एंड ई माइनर। तो ये आपके पास 4 कॉर्ड्स जो आपको सूटेबल लगे। बार कॉर्ड्स अप्लाई करना इट्स अ टिपिकल टास्क क्योंकि हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इस वजह से अगर आप ओपन पोजिशन पर रखना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। गाना जो स्टार्ट होता है बेसिकली वो तो डी मेजर से स्टार्ट होता है, बट उसमें एक रिफ आती है स्टार्ट में, और वो जो रिफ प्ले की गई है वो गिटार पर तो नहीं है, बेसिकली वो मैंडोलिन के ऊपर प्ले की गई है। तो वो रिफ कुछ इस तरह से प्ले हुई है, अब इस रिफ को प्ले करने का क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको बता दूं। देखिए जिस तरीके से हमारी डी मेजर की शेप होती है बिल्कुल आपने यही शेप अपने, ये हमारा कैपो लगाने के बाद 11th फ्रेट बना जो ये वाला जिस पर 2 डॉट्स होते हैं, ये बेसिकली 12th फ्रेट होता है, बट कैपो लगाने के बाद अभी ये 11th फ्रेट बन गया, ये वाला जो है 12th फ्रेट है, 13, 14। इस 14 फ्रेट के ऊपर हमने डी की शेप रखनी है, यानी अभी जो 14 फ्रेट है उसके ऊपर मेरी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर जो है वो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रिंग से प्रेस है, और जो 15 फ्रेट है उस पर मेरी सेकंड स्ट्रिंग जो है वो रिंग फिंगर से प्रेस है। तो इस तरह से साउंड क्रिएट होगा, आप मैच कर सकते हैं अपने गिटार के साउंड को मेरे गिटार के साउंड के साथ। तो बस इसी को रखते हुए हमने इसको स्लो स्लो प्ले करना है इस तरह से। मैं इसका स्ट्रमिंग पैटर्न बता दूं आपको, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, और ये जो 3 स्ट्रिंग्स है नीचे की यही प्ले करनी है, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग प्ले नहीं करनी हमने। तो ये इसका इंट्रो हो गया। इसके अलावा एक और हमारा गिटार पार्ट ही आता है, मैंडोलिन पार्ट ही आता है सॉरी, तो वो जो प्ले होता है वो इस तरह से होता है, अब ये किस तरीके से प्ले होगा वही हमने, जैसे कि ये हमारा 12th फ्रेट है, अगर मैं कैपो लगा दूं तो ये 11th फ्रेट बन गया, और इससे पहले वाला जो है वो 10th फ्रेट होगा,
तो मैं 10 से 8 पर मूव कर रहा हूँ, 10 8 10 8 10 8 10 8 10. देन उसके बाद 7 हमने रखना है. और ये जो मैं होल मैंने जो ये पैटर्न प्ले किया है, ये सेकंड स्ट्रिंग के ऊपर प्रेस करके प्ले किया है. ये सेकंड स्ट्रिंग पर ही प्ले कर रहा हूं मैं. इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा, 10 8 10, देन उसके बाद 8. और 8 जो प्ले होगी ये वाली जो थोड़ी सी हाई जा रही है स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है. पहले हमने सेकंड स्ट्रिंग पर रखना है 10 8 10, देन उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग पर था ये, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पर 8 फ्रेट, देन उसके बाद 10 8 7. और 10 से 8 पर जाते हुए इस तरह से हमने थोड़ा सा फास्ट जाना है. तो ये कंप्लीट इस तरह से बनेगा. सो गाना जो स्टार्ट हुआ है वो इस अंदाज में हुआ है. सो यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. देन सेकंड पार्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो बिल्कुल फर्स्ट वर्स की ही तरह होगा. जैसे हमने फर्स्ट वर्स को प्ले किया है, बिल्कुल सेकंड वर्स को भी इसी अंदाज में प्ले करेंगे. एक ऐसी मजबूरी हो गई, ये सजना तो दूरी हो गई, ते वेले आ देना जिंद कदो पूरी हो गई, बेगानी अदिरा छोड़ गई, मैं अपनी मोहार मोड़ ला, जे तो कदी आवे रंग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं
जो सेकंड वर्ड्स है उसमें मैंने स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो नहीं रखा, बिल्कुल स्मूथ मैंने स्ट्रिंग्स नीचे ले जाकर उसको प्ले किया है। सो आपकी मर्ज़ी, अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रमिंग पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट सॉन्ग हो गया, दो ही वर्सेज हैं इस गाने में और बाकी ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। स्ट्रमिंग पैटर्न भी इसका मैं अभी बता देता हूँ आपको कि किस अंदाज़ में प्ले कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल, मैंने एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न रखा है पूरे गाने में, जो स्टार्ट में आपको मैंने बता दिया था इंट्रो में। पूरे गाने में एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न रहा है और मैंने कुछ मज़ीद इसमें टेक्निक्स अप्लाई नहीं की। और अगर आप चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से कुछ डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न भी रख सकते हैं, वैसे अगर चाहें तो चक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्ले करें तब भी गाने की फील वही रहेगी जो कि ओरिजिनल गाने में दिखाई गई है। सो फ्रेंड्स, ये था सज्जाद अली सर के सॉन्ग रावी का कंप्लीट गिटार लेसन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। सो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ हों उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक मौजूद हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो को और मेरी उन तमाम वीडियोस को जो मैंने अब तक अपलोड की हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो गिटार प्ले करना चाहते हैं या फिर जो गिटार प्ले करना जानते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, स्टे ब्लेस्ड।